वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं बना रही हूँ उबले हुए अंडे और कच्चे अंडे का सूखी सब्जी, ठीक है। मसाला भी बोल सकते हैं आप, मसाला, ठीक है। अब वो मैं किस तरह से बनाती हूँ, मेरे तरीके से मैं बताती हूँ। पहले तो ये मसाला बहुत अच्छा बनता है, जब अपने घर में कुछ ना हो और कोई ना कोई मेहमान आ जाए ना, ऐसा मसाला बना दो और पाव के साथ, पराठों के साथ या चपाती के साथ दे दो, माशाल्लाह बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। ये मैंने क्या क्या लिया हूँ उसके लिए सामान, चलो आपको बताती हूँ। ये पहले तो सूखे मसाले, एक चम्मच नमक, एक चम्मच कोई भी ब्रांड का चिकन या मटन का मसाला, और ये आधा टीस्पून हल्दी, आधा चम्मच धनिया पाउडर, ये आधा चम्मच ही मिर्ची घर की कुटी हुई, ये दरदरी मैंने 6 हरी मिर्च को दरदरा इस तरह से करके लियो, और ये एक हाफ चम्मच मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट, थोड़ा सा हरा धनिया, 3 टमाटर को इस तरह से बारीक बारीक चॉप करी, और 2 कांदे को इस तरह से चॉप करी, ठीक है। और ये मेरे 6 अंडे हैं बॉईल करे हुए, और ये कच्चे 2 अंडे हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने तेल रखी हूँ गर्म, ठीक है। अब ये तेल मेरा गर्म हो गया है, अभी ये जो मैंने कांदा चॉप करके लिया ना, ये कांदा डाल देती हूँ, पूरा कांदा, इसको क्या ऐसा कलर बिलर नहीं लाने का, बस खाली थोड़ा सा भून के लेने कांदा, खाली हल्का सा वो गुलाबी होता है ना वैसा करके लेने, कोई कलर बिलर नहीं चाहिए हम लोग को कांदा, ठीक है। इसको भून के लेती हूँ मैं, फिर दूसरा बताऊँ कांदे का। मैंने हल्का सा खाली इसको भून के लियो, मैंने आपको बताई थी ना कि गुलाबी खाली हो तक कांदा, कोई कलर बिलर नहीं चाहिए। अभी जो हरी मिर्ची है ना हमारी, ये भी मैंने इसमें डाल दिया, ठीक है। एक हरी मिर्ची और टमाटर, और अब ये अदरक लहसुन भी डाल दिया। ऐसा एक साथ में ये सब भूनेंगे ना, माशाल्लाह अच्छा मसाला होता है। जहाँ मेहनत भी बचती है, अब ऐसी गर्मी में इंसान चाहता है कि जितना कम हो सके उतना किचन में कम जाए, तो इसके लिए मैं आपको ऐसे ही मसाले बताती हूँ जो झटपट बन सके और किचन में ज्यादा से ज्यादा कम वक्त बीते, क्योंकि ऐसे बहुत से घरों में ऐसा है कि किचन में एसी नहीं, पंखा नहीं, गर्मी बहुत ज्यादा होती है। अब मुंबई की गर्मी तो माशाल्लाह गर्मी है। इसको अभी अच्छे से पकने देती हूँ, टमाटर, कांदा और अदरक लहसुन मिर्ची, ठीक है। ये तीनों चारों चीजों को अच्छे से पकने देती हूँ। देखो मसाला मेरा इतना भुन चुका है, ये तेल दिख रहा है आपको, ये पूरा तेल ऊपर आया निकल के, ठीक है। अभी नमक और ये जो मिर्ची, धनिया पाउडर, हल्दी, ये सब डाल देती हूँ, खाली मटन मसाला छोड़ के बाकी सब मसाला डाल। ये मटन मसाला या चिकन मसाला आप कोई भी ब्रांड का ले सकते हैं, जरूरी नहीं कि ये वही, वैसे तो ज्यादातर कोई भी ब्रांड का अच्छा ही रहता है मसाला, नहीं भी तो घर में जो पिसा हुआ रहता है अपना गर्म मसाला वो भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं गर्म मसाला नहीं डालती इसमें, इसलिए मैं मटन मसाला डालती हूँ। इसमें बहुत जल्दी बनता है, ये नाश्ते में भी माशाल्लाह बहुत अच्छा बनता है, नाश्ते में पाव के साथ इसके साथ बहुत अच्छा लगता है खाने के। देखो अभी मैंने मसाला डाली ना, अभी बस इसको 1-2 मिनट खाली भूनने का, अब दिख रहा है आपको तेल पूरा निकल के आ रहा है। मैंने जितना भी इसमें तेल डाली हूँ ना, झटपट बनता है ये मसाला, ऐसा नहीं कि काफी टाइम लेता है, बहुत वक्त लेता है, बिल्कुल भी नहीं लेता है। टमाटर भी हमारा इस तरह से चॉप करके डालो, या फिर आप मिक्सी में बारीक पेस्ट बना के भी डाल सकते हैं कांदा टमाटर, अगर आपको ज्यादा ऐसा चॉपर ये नहीं है, फिर हाथ से काटने में ज्यादा तकलीफ होती ना, तो उससे बेहतर है कि मिक्सी में पीस के डाल दो। देखो मसाला भी हमारा अच्छे से भून गया है, अभी जो मैंने अंडा डाली हूँ ना, 2 अंडे कच्चे ली थी, ये डाल देती हूँ, इसको डाल के बस इसको हल्का हल्का, थोड़ा मोटा मोटा रखने का, ज्यादा नहीं करने, ठीक है। इसको 2 मिनट खाली ऐसे ही पकने देने, वैसे तो अंडा कच्चा अंडा फटाफट पकता है, इसको हल्का हल्का खाली इस तरह से कर लें, फिर एंड में वो कच्चे अंडे और ये मटन मसाला और हमारा हरा धनिया डाल दें, ये बहुत जल्दी बनता है, इसीलिए मैं आपको आपके साथ शेयर करूँ, क्योंकि मेरे को भी ज़्यादा, मेरे घर किचन में बहुत गर्मी होती है ना, मैं वही चीज़ें आपके साथ शेयर करती हूँ जो ज़्यादा वक्त ना ले किचन में, कम से कम। अगर कोई अंडा नहीं खाते होंगे ना, तो जो हमारा जो सोयाबीन जाते हैं ना, उसमें भी आप बना सकते हैं, वो भी अपना गर्म पानी में भिगा के डाल के बनेंगे ना, उसकी भी बहुत अच्छी भुर्जी बनती है मसाला, ठीक है। अभी देखो ये पूरा मेरा
अंडा मैंने बताई थी ना आपको, हल्के हल्के ऐसे मैंने हिलाती ही रही, आपको दिखाते हिलाते रहे, ज्यादा उसको ऐसा मोटा मोटा ही करके नहीं रखी और ना ज्यादा बारीक करी, दिख रहा है ना आपको। अब ये जो है ना अंडे, अंडे ये पूरे डाल देती हूँ मैं, ठीक है। अब अपने हिसाब से अंडे, मिर्ची, नमक, अपने हिसाब से ये चीजें कर सकते हैं। जैसा अभी क्वांटिटी आप कम ले रही हैं तो मसाले की भी क्वांटिटी कम करो, ठीक है। ये मैंने मटन मसाला भी डाल दिया, ठीक है, चिकन का या मटन का कोई भी ब्रांड का डाल सकते हैं, बड़े मजे का बनता है। बस हो गया, अभी इसको खाली 2 मिनट इसको दम दे देने का। अभी मसाला और अंडा डाले ना हम लोग, और हल्के हाथ से हिलाने का। ये हमने अंडे, आप चाहो तो आके भी अंडे डाल सकते हैं, लेकिन मैं कैसा कट करके डाली, आके अंडे में जरा मसाला अंदर तक नहीं जाता, इसलिए मैं इस तरह से कट करके डाली। अगर आपको पसंद आए अक्के अंडे तो अक्के अंडे डालो, क्योंकि किसी को अंडे नहीं पसंद आते हैं तो कच्चे अंडे ये करो, मसाला खा सकते हैं, ठीक है। अब इसको मैं 2 मिनट इसी तरह से ढक के छोड़ देती हूँ बारीक गैस पे। देखो इसको मैंने 2 मिनट ऐसे ही छोड़ दी थी, ठीक है। देखो माशाल्लाह, देखे कितना अच्छा बने। अब इसमें जो हरा धनिया ली थी ना मैंने, ये हरा धनिया पूरा डाल देती हूँ। आप कम ज्यादा कर सकते हैं हरा धनिया, ठीक है। अब इसको अच्छे से मिक्स करके मैं आपको सर्व करके दिखाऊंगी। ये आज मैं बनाई हूँ उबले हुए अंडे की और कच्चे अंडे की सब्जी, ठीक है, मसाला। ये अगर आपको पसंद आ रहा होगा तो इसे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, अपने फैमिली और दोस्तों में भी शेयर करो। और आपको कोई नई डिश चाहिए तो मुझे कमेंट करो, इंशाल्लाह मैं ज़रूर बनाऊँगी, ठीक है। फिर मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।